मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र में ईडी ने कई अहम जानकारियां कोर्ट को दी है। ईडी ने बताया है कि पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ मिलकर अपने सुपर स्पेशलिटी पल्स अस्पताल के जरिए काला धन सफेद करती थी। इस अस्पताल के निर्माण व संचालन में करोड़ों के नकदी का इस्तेमाल किया गया है। इस अस्पताल का निर्माण मेसर्स यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, जिसके संचालक अक्षत कात्याल का भी ईडी ने बयान कलमबद्ध किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने पूजा सिंघल व अभिषेक झा से वर्ष 2020 निर्माण सामग्री खरीदने व मजदूरों के भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे। कंपनी ने सितंबर 2019 से जनवरी 2022 तक इस अस्पताल का निर्माण कार्य देखा। इस दरमियान निर्माण सामग्री व वन्य मद में पूजा सिंघल उनके पति ने इनकी कंपनी को कुल 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के 2 दिन पहले गिरफ्तार उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार ने भी ईडी के सामने कई राज उगला था। उसने ईडी को दर्ज कराए अपने बयान में जानकारी दी थी कि उसने पल्स अस्पताल के कैश काउंटर पर पल्स अस्पताल की रसीद को बढ़ाने के लिए व फर्जी बिल बनाने के लिए करीब 5 बार 10-10 लाख रुपए नकदी जमा कराई। यह काला धन था जिसे पल्स अस्पताल में फर्जी बिल के माध्यम से सफेद किया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।